You're a superhero. सो हे गाइस, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप सब बहुत बढ़िया होंगे। सो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप कुछ इस प्रकार की न्यू स्टेटस वीडियो को कैसे बना सकते हो। सो गाइस, अगर आपको भी ऐसा स्टेटस वीडियो को बनाना है, इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। और अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है, सो वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर से कर लेना। तो गाइस चलिए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, सबसे पहले आप काइनमास्टर ऐप डाउनलोड कर लेना। अगर आपको काइनमास्टर ऐप डाउनलोड करना है तो सिंपली आप मेरे मटेरियल्स वाले लिंक पर क्लिक करके जा सकते हो और वहां से आप काइनमास्टर भी डाउनलोड कर सकते हो। बस उसके लिए आपको नीचे जाना पड़ेगा। ओके, सो वहां पे किसी एक चीज़ के लिए आपको 40 सेकेंड वेट करना है। उसके बाद आपको सब कुछ वहाँ पर मिल जाएगा, सब कुछ मतलब हर एक चीज़ का लिंक वहाँ पर मिल जाएगा। तो वहाँ से आप बिल्कुल भी आसानी से डाउनलोड कर सकते हो। अब गाइस बढ़ते हैं अपनी एडिटिंग की तरफ। सो गाइस, आपको काइनमास्टर में आ जाना है, फिर आपको क्रिएट न्यू पे क्लिक करना है। यहाँ पे सेकंड नंबर का साइज सिलेक्ट करना है और ये फिल स्क्रीन नहीं भी करोगे फिर भी चलेगा, क्योंकि यहाँ पे इसका यूज नहीं होने वाला है। फिर आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है और नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद सिंपली आपको इस इमेज वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। और इमेज वाले ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद फिर आपको यहाँ पे एक ब्लैक कलर का या कोई भी कलर का बैकग्राउंड सेलेक्ट कर लेना। ओके, उसके बाद इसका लेंथ अपने वीडियो के हिसाब से बढ़ा लेना। मेरे हिसाब से 20 सेकंड का वीडियो है तो 20 सेकंड तक आप रख लेना। ओके, सो गाइस, मैंने अपनी इमेज मतलब वीडियो को एक इमेज से बनाया था, बट आप चाहो तो दो तीन जितने भी इमेज से बनाना चाहते हो बना सकते हो। ओके, बट मैंने सिर्फ और सिर्फ एक इमेज से ही बनाया था। सो उसके बाद आपको लेयर पर क्लिक करना है, मीडिया पर क्लिक करना है। सबसे पहले आप अपना फोटो को सिलेक्ट कर लेना। ओके, सो मैं अपना फोटो को सिलेक्ट कर लेता हूँ। गाइस, यहाँ से मैं कोई भी एक फ़ोटो को ले लेता हूँ, जैसे कि जो भी फोटो मेरे को अच्छा लग रहा है मैं वो वाला फोटो को सिलेक्ट कर लेता हूँ। ओके, सो मैंने ये वाला फोटो को सिलेक्ट कर लिया। अपने फोटो को आपको सिलेक्ट करना है, फिर इसका लेंथ आपको एंड तक पहले कर देना है, जहाँ तक आपका बैकग्राउंड है वहाँ तक इसका लेंथ रखना है। फिर इसका साइज इस प्रकार से आपको बढ़ाना है। और हाँ गाइस, याद रखें कि इस इमेज को अपनी इमेज को आप बिल्कुल बीच में रखना, इधर उधर मत करना। सो इतना आपको कर लेना है। इतना करने के बाद सबसे पहले आपको करना क्या है, शुरू वाले पोजीशन जो है ना, पहले मतलब इस इमेज को थोड़ा इधर कर देना है। ओके, इतना आपको कर लेना है। इतना करने के बाद फिर आपको इमेज पे क्लिक करना है। इधर की का आइकन आपको दिखाई दे रहा है, सिंपली आपको इस पर क्लिक करना है। ओके, सो यही काम अगर आप दो तीन इमेज के साथ मतलब दो तीन इमेज से अपना वीडियो को बनाना चाहते हो, सो यही काम मतलब यही काम आपको उसमें भी करना है। सो विजुअल पोजिशन पर आ जाना है, फिर आपको यहाँ पर प्लस पे क्लिक करना है। और प्लस पे क्लिक करने के बाद इसको इस साइड सेलेक्ट करना है। सो मेरा इमेज बीच में था तो इसलिए वहाँ पे देखो एक रेड लाइन दिखाई दे रहा है, इसलिए अपनी इमेज को बीच में ही रखना। थोड़ा इधर आपको इस साइड कर देना है अपनी इमेज को और बिल्कुल वही पोजीशन पे। उसके बाद फिर आपको इन में आ जाना है, फिर से आपको प्लस करना है और इस बार इमेज को सिलेक्ट करके फिर से आपको उधर लेफ्ट साइड कर देना है थोड़ा सा। तो इससे ये होगा, हमारा इमेज में थोड़ा सा स्लाइड शो आ जाएगा, जो कि बिल्कुल स्लो रहेगा, देखने में बहुत ही अमेजिंग लगेगा। ओके गाइस, सो इतना आपको ज़रूर से कर लेना है। सो अब इतना कर लेने बाद सिंपली आपको शुरू में आना है, लेयर पे क्लिक करना है, मीडिया पे क्लिक करना है। और मीडिया पे क्लिक करने बाद सिंपली आपको इस वीडियो को एडिट करना है। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। ओके, सो सबसे पहले आप इस वीडियो को एडिट कर लेना। एडिट करने बाद फिर आपको इसका साइज प्रकार से बढ़ाना है और इसका ब्लेंडिंग में जाके आपको स्क्रीन करना है और इसका एडजस्टमेंट में जाके इसका जो ब्राइटनेस है उसको थोड़ा सा घटा देना है। इससे ये होगा कि इसका जो लाइट है ना, एक्स्ट्रा लाइट इफेक्ट, वो आपके फेस पे पड़ेगा तो आपका फेस फिर भी आपका फेस साफ साफ दिखाई देगा। तो इतना आप जरूर से कर लेना। सब इतना करने के बाद फिर आपको शुरू में आना है, लेयर पर क्लिक करना है, मीडिया पर क्लिक करना है और आपको इस वीडियो को एड करना है। ये भी वीडियो ही है, सो इसको एड करना है। इसको एड करने के बाद फिर इसका साइज इतना आपको बढ़ा लेना है इस हिसाब से। उसके बाद इसका ब्लेंडिंग में जाना है और आपको स्क्रीन करना है। ओके, ब्लेंडिंग में जाके और इसको नीचे साइड लाना और सही से एडजस्ट कर देना है। और एडजस्ट करने के बाद फिर आपको शुरू में आना है, लेयर पे क्लिक करना है, मीडिया पे क्लिक करना है। अब गाइस, मीडिया पे क्लिक करने के बाद सिंपली आपको इस वीडियो को एडिट करना है। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, एक लेटेस्ट वीडियो है बट देखने में बहुत ही अमेजिंग लगता है। सो आपको इसको डाउनलोड करके एडिट करना है। अब इसको एडिट करने के बाद फिर इसका साइज इस प्रकार से बढ़ाना है। आपको साइज बढ़ाने के बाद इसको थोड़ा ऊपर साइड लेके जाना है और यहाँ पर सही से एडजस्ट करके धर देना है। आप लोग देख सकते हो मैं किस पोजीशन पे रखा हूँ, आपको भी उसी पोजीशन पे रखना है इसको। उसके बाद इसका जाना है क्रोमा की में। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो इसका एक क्रोमा की ऑप्शन है काइनमास्टर में, इस पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद इसको जो इनेबल वाला ऑप्शन दिखाई दे रहा है इसको ऑन करना है। और यहाँ पर आप ध्यान देना कि यहाँ जो है ना हमारा, यहाँ पर आप लोग देख सकते हो ये ब्लू कलर होना चाहिए, जैसे ब्लू कलर मेरा था तो आपको ब्लू रखना है।
उसके बाद ऊपर वाले को आप थोड़ा अच्छे से ऊपर नीचे को एडजस्ट कर सकते हो, इतना एडजस्ट आप कर लेना, फिर आपको डन कर देना है। अब इतना करने के बाद अगर मेरा ये जो वीडियो थोड़ा इधर लग गया तो इसको मैं थोड़ा और उधर कर देता हूँ साइड देखने में, ताकि ज़्यादा अच्छा लगे। ओके, सो आपको सही से एडजस्ट यहाँ पर कर लेना है। तो ये आप लोग देख सकते हो मेरा सही से एडजस्ट हो चुका है, और यही इसी के साथ हमारा वीडियो भी बन चुका है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो। सो गाइस, आपने देखा कि ये वीडियो बनाना कितना आसान है, तो आई होप कि आपको समझ में आ गया हो कि वीडियो कैसा बनाओ। मैं आपको ऑडियो नहीं सुना रहा हूँ, बट वीडियो पर लगकर दिखा रहा हूँ, आप लोग देख सकते हो। फिर भी ये मेरा जो है ना, ये लिरिक्स वीडियो सही से एडजस्ट नहीं हुआ, इसको थोड़ा और ऊपर कर देता हूँ, तो आप सही से एडजस्ट करना। ओके गाइस, फिर आपको यहाँ पे शेयर का आइकन पे क्लिक करना है और अपनी वीडियो को एक्सपोर्ट कर लेना है। सो गाइस, बस आज के लिए इतना है। आई होप कि वीडियो अच्छी लगी हो, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर से कर देना। सो गाइस, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय, टेक केयर।